वैसे तो मैं रात को पढ़ते पढ़ते 1:30 बजे करीब ही सो गया था मतलब पढ़ते पढ़ते 1:30 बजे करीब ही सो गया था, और अभी सुबह 9 बजे उठकर मैं वीडियो एडिट करने लग गया था, और अभी 9:30 हो रहे होंगे या 10 बज गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, और वीडियो एडिट हो रही है अभी भी बाकी है, मतलब उसका काम, और लालू मेरे लिए बना रहे हैं चाय एज़ ऑलवेज। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? और मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं नीचे कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब भी कर लो, धन्यवाद। तो भी देख रही है, थैंक यू। तो भरा हुआ है ठीक है भैया, काम करते हैं करके। तो लो जी, इधर आ गई हमारी चमचमाती हुई स्माइली वाली चाय, और अब इसको पीते हैं, और पी के फटाक से इधर जो वीडियो एडिट हो रहा है उसको वीडियो एडिट करके और तैयार होते हैं, उसके बाद नहाते हैं, और नहा के फिर निकलते हैं जस्ट ऑफिस के लिए। तो भैया मेरा हो चुका है ऑफिस निकलने का टाइम, और मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय बाय। ठीक है भैया, निकलते हैं। बाय बाय। हाँ तो बस मैं आ गया हूँ वही पुराने रास्ते से, और सच बताऊँ तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने बस रैंडमली फ़ोन उठा लिया है और बस चलते जा रहा हूँ, और तो कुछ नहीं, आजकल ना पोस्टर बहुत लग रहा था पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा करके, और मेरे हिसाब से ना फास्ट फूड अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि फ़ास्ट फूड की बदौलत हमारे पेट पर चर्बी आ गई। जब तक मैं गाँव में था ना भाई, अब तक मेरा कभी वेट गेन नहीं हुआ। जैसे मैं बाहर सिटीज़ में रहा हूँ, जैसे मैं अहमदाबाद रहा, तो मैंने वहाँ पे मैं 47, 48 और 50 के आसपास रहता था, वहाँ जैसे मैं गया मैं 60 पहुँच गया, और फिर वापस आया गांव में तो वापस से 50 के आसपास में आ गया रहूँगा, और फिर अभी मैं जब कोटा आया हूँ तो मेरा वज़न 65-70 ऐसा कुछ हो गया था, बाकी मैंने अभी 10 किलो कम कर दिया था, तो मतलब कर दिया था, काट के थोड़ी ना किया है, थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाना कम कर दिया, फास्ट फूड वगैरह कम कर दिया, तो इस वजह से थोड़ा कम हो गया। बस सीधे घर पहुंचते हैं, कहाँ घर जा रहा हूँ मैं, ऑफिस जा रहा हूँ यार, उल्टा उल्टा है ना दिमाग, थोड़ा कम काम कर रहा है ना, अभी जुकाम लग रहा है भाई, उस जुकाम की वजह से ना थोड़ा भेजा बुद्धि कम काम कर रही है। तो बस मैं सीधा ऑफिस पहुँचता हूँ, और ऑफिस पहुँच के मिलते हैं आप लोगों से। भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, वो लोग उन लोगों को हटा दिया है यहाँ से, मतलब हटा दिया होगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कि भाई ये फुटपाथ मत जाम करोगे, तो उस वजह से शायद ना हटा दिया है बाकी सब लोगों को, यहाँ पे कोई भी नहीं बचा भाई। चलो जी, मेरा रास्ता फिर से खाली हुआ, मुझे इस बात की खुशी नहीं है और ना ही दुख है, मतलब न्यूट्रल हूँ मैं। लो जी पहुँच गए हम ऑफिस फिर से, मतलब रोज़ का ही है। हाँ तो मौसम और दिन की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़िया है, और हम लोग निकले हैं चाय पीने के लिए, मेरे पवन जी मैं हूँ, और दरवाज़ा है जिसमें से हम बाहर जाएंगे, और कुछ नहीं है। तो घर पहुँचते पहुँचते 12:30 बज जाती है, सुबह नींद नहीं हुई, आ गई थी उनकी जो रिटर्न रिटर्न है पैक बराबर बनाना बराबर पैक बनाना चलो भैया ये हम पीते हैं चाय, लेवल अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो पता नहीं है, मुझे नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैं बस चाय पीता हूँ। तो जैसे ही खिड़की खोली वैसे ही भाई गरम गरम हवाएं आए अंदर, क्योंकि अंदर क्या है एसी चलता है, और ये जो है ये 15 अगस्त की तैयारियां हो रखी है, मतलब स्वतंत्रता दिवस की जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है हमारे ऑफिस में भी, और पूरे ऑफिस में ना वहाँ से यहाँ तक पूरे ऑफिस में लाइटें लगती है भाई, ये बहुत प्यारा लगता है। मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, और ये मेरा यहाँ पर 2nd स्वतंत्रता दिवस है, और एक गणतंत्र दिवस निकल चुका है, तो नहीं यार 2nd स्वतंत्रता दिवस निकल गया है और मतलब आ रहा है, और 2 गणतंत्र दिवस मेरे को यहाँ पे हो गए हैं, और बहुत सारी कबूतरें यहाँ पे घूमती रहती है, और बाकी अब टाइम का मुझे पता नहीं है कि तब 5 बेसमेंट हो गए रहेंगे, और ये कुछ 40 मिनट में हम यहाँ से निकल के जाएंगे। पानी नहीं डाला अरे ना, थोड़े से पीले पीले हो गए, तो उसमें ना पानी डालते, हाँ भाई पानी नहीं डाला, बारिश नहीं तो उन्होंने पानी भी डाला है, तो उसमें पानी डालते सबसे पहले हो चुकी है हमारे ऑफिस में तैयारियाँ भाई। आज ना सभी लोग निकल गए, बस हमारे रूम वाले जो लोग हैं वही बचे हैं बस, और हम निकल रहे हैं
निकल गए आज, मेरे पास सन नहीं है। हाँ, और सनसेट हो रहा है बहुत तगड़ा। घर आते आते 7:30 बज चुके हैं और हम ऑफिस से मंदिर गए, मंदिर से फिर घर इधर रूम पे आ गए। तो अभी भाई रूम पे आ गया हूँ, तो अब बात में बताता हूँ। और सबसे मस्त थिंग जो है मेरे हर ब्लॉग में होती है कि ऑफिस से जस्ट आते मेरे को चाहिए खाना, मेरे को लग रही है अभी भूख, तो मैं फटाक से हाथ मुँह धोता हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ और फिर खाना खाता हूँ और फिर मिलता हूँ। और उधर किसी को कुछ तो मिल गया चुंगम चुंगम, तो चिल्ला रही है, तो भाई ठीक मिलते हैं थोड़ी देर। हाँ, मतलब मैंने घर में एक बालक रखा हुआ है, समझ रहे हो, कुल मिला के बात यही है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे, और हम लोग थोड़ा सा मार्केट जा कर कुछ सामान है जो कम पड़ गया है, तो वो सामान खरीद के काम ही पड़ गया भाई, तो घर गृहस्थी के सामान लेने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सुबह के लिए कम पड़ेंगे, तो इस वजह से अभी जाके लेता जो भी है। खूबसूरत कैसी लग रही है तू? खूबसूरत डराने आवाज में बदसूरत लगेगी, लेकिन मस्त लग रही है। चलो भैया लड़की तैयार हुई है, चलो जी। बहुत सारे सामान लाए हैं, बहुत सारे, ये भी ले लड़की भी कुछ, और कुछ हमारे पास। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है। और रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया। तब आजकल यही हो रहा है कि मैं रात को पढ़ते पढ़ते सो जा रहा हूँ, वीडियो एंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप नई वीडियो है तो देख लें, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नहीं भी करोगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं। एक ही सांस में बोल देना, इसलिए थोड़ा कोई दिक्कत, मिलते हैं।